क्या आप जानते हो दूध जो होता है वो एक संपूर्ण भोजन होता है। संपूर्ण भोजन का मतलब होता है कि दूध के अंदर वो सभी न्यूट्रिशन होता है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, वो कौन सी चीजें हैं जिनको अगर दूध के साथ खाए तो दूध पचाता भी जल्दी है और वेट गेन भी फास्ट होने लगता है। सबसे पहले बात आती है वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से दूध से फायदा तो छोड़ो बल्कि उल्टा हमको नुकसान होने लगता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि दूध पीने का भी तरीका होता है। सबसे पहले तो वो चीजें जान लो जिनकी वजह से दूध का आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। पहला है नमकीन चीजों के साथ दूध को पीना। वो चाहे आप पराठे के साथ पीते हो या फिर आप नमकीन के साथ पीना पसंद करते हो, अगर करते हो तो आप ये अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। आयुर्वेद के अनुसार दूध और नमक विरुद्ध भोजन होते हैं। दूसरा, ठंडा दूध पीना। बहुत बार हम टेस्ट के चक्कर में दूध ठंडा करके पीते हैं, राइट। अब एक चीज सोचो, दूध अपने आप में ही काफी हैवी होता है, इसके बाद भी अगर आप ये चोचले करते हो तो फायदा तो छोड़ो, इस चीज का आप नुकसान झेल ले वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीसरा, दूध में चीनी डालकर पीना। देखो भाई, नेचुरली मीठा होता है ये, क्योंकि इसमें लैक्टोज होता है। ऐसा देखा गया है कि दूध में चीनी डालकर पीने से ये आपके दूध के न्यूट्रिशन को अच्छे से पचने नहीं देती, और वैसे भी चीनी डालकर दूध पीने से बॉडी फैट ही बढ़ता है, मतलब स्टैमिना बनाना भूल जाओ। लेकिन अगर आप दूध को मीठा पीना चाहते हो, टेस्ट बनाना चाहते हो, तो शहद, मिश्री और शक्कर, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई ये तो थी वो चीजें जो कि आपको छोड़ देनी है बिल्कुल, अगर आपको दूध का फायदा चाहिए तो। अब मैं बात करूंगा उन चीजों के बारे में जिसको अगर आप दूध के साथ पियोगे तो आपकी बॉडी का वेट गेन फास्ट होगा। दलिया। जब हम अनाज को दूध के साथ खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है। इसका मतलब अगर आप दलिया और दूध एक साथ खाते हो, या फिर दूध का दलिया सबसे बेस्ट है, अगर आप ये खाते हो तो भाई वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरा एडवाइस ये है कि जब आप वर्कआउट खत्म करते हो, आप वर्कआउट के बाद रोटी तो खाते ही होंगे, राइट, तो बस आप रोटी की जगह दूध का दलिया बनाकर खाना है। एक तो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि दलिये में भी प्रोटीन होता है और दूध में भी अच्छा खासा हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है और पचेगा भी जल्दी। इस मील को मैं पहले स्थान पर रखूंगा क्योंकि ये आपका फैट कम बल्कि मसल्स वेट ज़्यादा बढ़ाएगी। दूध और केला। अगर केला बिना दूध के खाओगे तो ये आपको एनर्जी देगा क्योंकि केले में सिर्फ कार्ब्स होता है, लेकिन अगर केले का आप शेक बनाकर पीते हो तो ये आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। कुछ बोलते हैं कि दूध केले का नुकसान होता है, तो भाई देखो सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। देखो, सुबह के समय केला हीरा होता है, दोपहर के समय केला केले का काम करता है, लेकिन अगर सूर्य ढलने के बाद केला खाया जाए तो ये आपके शरीर में कफ बनाएगा। अगर आप सुबह खाली पेट केला खाते हो तो ये वजन घटाएगा, लेकिन जिन लोगों ने वजन बढ़ाना है तो बनाना शेक उनके लिए बेस्ट है। ये है पूरा सच, अब आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। बादाम रगड़ा या बादाम का दूध आप कह सकते हो, ये आपका स्टेमिना बढ़ाएगा और आपका मसल्स वेट भी बढ़ाएगा। इसको आप वर्कआउट के बाद पिए। ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू और किशमिश, इनकी एक कटोरी में डाल लो इनको और दूध के साथ पियो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इनको आप पहले भिगो जरूर ले ताकि नुकसान ना हो, ये भी बहुत बढ़िया है आपका वेट गेन करने के लिए। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि गाय का दूध पिए या फिर भैंस का दूध पिए। तो भाई देखो, फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, भैंस के दूध में फैट और कैलरीज ज़्यादा मिलेगी और थोड़ा सा प्रोटीन भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की वो ये कि गाय का दूध पचता जल्दी है। गाय के दूध में आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जल्दी पचेगा। लेकिन मेरा एडवाइस यहाँ पर ये है कि अगर गाय का दूध पीने की सोच रहे हो ना तो देसी गाय का ही पीना, वरना रहने देना, अपना भैंस का सबसे बेस्ट है भाई। और बस ये थी मेरी वीडियो जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई है, अगर वो आप फॉलो करते हो तो 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा मिल जाएगा, कम से कम शुरू हो जाएगा 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना। और वर्कआउट करते रहो, जो डाइट बता रहा हूँ मैं फॉलो करते रहो, और अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।